वटाइगो या चक्कर आना, इस चीज़ को लेकर पेशेंट्स बहुत परेशान रहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट को, ईएनटी डॉक्टर को, ऑर्थो वालों को, फिजियोथेरेपी वालों को दिखाते हैं, पता नहीं चलता है कि किसको दिखाएं। चक्कर जो हैं दो टाइप के होते हैं, पेरिफेरल कॉजेज एंड सेंट्रल कॉजेज। ईएनटी वाले पेरिफेरल कॉजेज देखते हैं, जैसे कि मीनियस डिजीज़, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस एंड बीपीपीवी। मीनियस डिजीज़ जो है वह कान के अंदर जो पानी है उसकी सोजिश की वजह से होता है। मीनियस डिजीज में पेशेंट्स को चक्कर आते हैं जो आमतौर से 20 मिनट से लेकर 24 घंटे तक रहते हैं। कान में भारीपन रहता है और कान में घंटी की आवाज़ आती है। हमारे कान में सुनने का और बैलेंस मेंटेन करने का एक ऑर्गन होता है जो कि उसके अंदर पानी घूमता है। 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अंदर जो पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ घूमता है वह जनरली सेपरेटेड रहता है। मीनियस पेशेंट्स में एंडोलिम्फ वाला जो हिस्सा है उसके अंदर सोजिश आनी शुरू होती है, उसके अंदर थोड़ा बहुत सोडियम पोटेशियम का बैलेंस ख़राब होता है। जब ये भारीपन बढ़ता है तो कान में भारीपन पड़ता है और पेशेंट को थोड़ा ऐसा लगता है कि कान में कम सुनाई दे रहा है। जब वो रप्चर कर जाता है तो इसके कारण जो फ्लूइड मिक्स होते हैं तो पेशेंट्स को चक्कर आते हैं और कान में घंटी की आवाज़ें आती हैं। ये चक्कर 24 घंटे तक रह सकते हैं। जब धीरे धीरे कर ये जो मेम्ब्रेन जो फटी है वह हील करती है अपने आप को, तो धीरे धीरे जो दोनों लिक्विड हैं वो दोनों सेपरेट हो जाते हैं और अपना बैलेंस मेंटेन करने लगते हैं, तब पेशेंट के चक्कर भी ठीक हो जाते हैं। ये आमतौर पे 20 से 50 साल के लोगों में, दोनों मेल्स एंड फीमेल्स में होते हैं। जो कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हैं उसमें ज़्यादा होता है। इसके इलाज में सबसे पहले हमको डाइट्री मॉडिफिकेशन करना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्टेड डाइट लेना है, नमक कम से कम लेना है, बीपी को कंट्रोल में रखना है, चाय कॉफ़ी या कोई भी कैफिनेटेड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, अल्कोहल, ये सब चीज़ें बंद करनी हैं। कुछ पेशेंट्स में डायूरेटिक्स या फिर बीपी की दवाई भी शुरू करी जाती है और वर्टिन, सुजरॉन, स्टेमेटल के नाम से जो आती हैं वो दवाइयाँ SOS भी दी जाती हैं। आप अपने डॉक्टर से मिले, वे आपको बताएंगे कि आपका बेस्ट इलाज क्या है। थैंक यू।